सितारों का गलियारा, वॉर ऑफ स्टार्स नजर आ रहा है। नंबर थ्री रेडर की टीम जीती है इस पूरे एडिशन की, जिस प्रकार से आप बात करते हैं पवन शहरावत पर, यहां पर आपको टॉप टू रेडर्स की भिड़ंत नजर आएगी। और मनिंदर सिंह ने क्या आते ही राइट कवर को शिकार बना लिया है, अपना 150वां मुकाबला खेल रहे हैं इस लीग का। जर्सी नंबर 99 आउट। और अक्षित को सिद्ध करना पड़ेगा कि उनकी जगह सच में बनती है टीम में, और वो सिद्ध कर रहे हैं। लेफ्ट कवर के थाइस पर जाकर वह हैंड टच किया। रेडर सेफ, वन पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। क्या जबरदस्त ब्लॉक, एकदम सामने आकर के जिस तरह से ब्लॉक किया, हिलने डुलने का मौका नहीं दिया पॉइंट प्रतिबंध ने। माइटी मनिंदर ने दिखाया क्यों कहलाए जाते हैं वो माइटी। और यहां डू और डाई में डिफेंस में काम तमाम किया। रेडर आउट, वन पॉइंट बेंगल वॉरियर्स। मनिंदर यहां कमाल कर रहे हैं। नितिन रावल सेल्फ आउट हुए हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि नितिन रावल, हाँ ये इनका पैर डेफिनेटली लॉबी में गया है। बंगाल वॉरियर्स, नो बोनस। दो पॉइंट मिलते हुए प्रदीप नरवाल को मनिंदर ने हैंड टच किया, और उससे पहले लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर बाहर चले गए। तो यहाँ दो पॉइंट मिलते हुए क्रॉस कर गए लाइन। अक्षय पहले राइट कॉर्नर नितेश को चैलेंज किया, फिर वहां पर लेफ्ट कवर आए, यानी कि कॉर्नर का टच नहीं हुआ, लेफ्ट कवर सिर्फ अटैक करने गए। बोनस भी साथ में लिया है, दो अंक। सुल्तान फजल अतराचले आउट, वन पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उन्होंने वो कर दिखाया। मनिंदर सिंह पसंद करते हैं पहले हाफ को यूटिलाइज करना, 6-7 का ज्यादातर हाउस होता है, 57% उनकी स्ट्राइक रेट रहती है। दूसरे हाफ में भी अच्छा करते हैं, पर पहले हाफ में बेहतरीन करते हैं, जैसा एक बार कर दिखलाया, एक्सेलरेट किया अपने आप को अचानक, और नितिन पवर पर शिकार किया। नितिन धनकर लगातार, लेकिन पैर दे दिए नितिन धनकर ने, इंतजार किया रेडर आउट, वन पॉइंट बाबू ने, और आखिरी लम्हों में उनके पैरों पर गए। नितेश राइट कॉर्नर पर है, फजल की तरफ जाएंगे तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी, समय बहुत ले चुके हैं संजय दा। बिल्कुल, जब आप इतना समय लेंगे तो फिर डिफेंडर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन यहां तकनीक डिफेंडर्स की थी, उन्होंने समय किल किया। बंगाल वॉरियर्स, बोनस तो चलिए मिल गया। तो प्रदीप नरवाल का पॉइंट लाएंगे, वो टच पॉइंट जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, दर्शक दीर्घा इंतजार कर रहा है। जरूर पवन के मुकाबले के बाद शोरगोल थोड़ा कम हुआ है, या अकेले दम पर क्या पहले फ्रंटल ड्रॉ करके डैश करना चाहते थे, तो प्रदीप नरवाल ने कार्टवील टाइप लगाया और हाथ नहीं शायद पैर से मिडलाइन क्रॉस किया। मनिंदर सिंह बैक टू बैक आ रहे रेड पे, डू और डाई रेड में भी मनिंदर अंदर, और उसका कारण आपको साफ समझ में आ रहा है, ये माइटी मनिंदर है पाजी, ये ऐसे ही आपको अपने पिंड तक ले जाएंगे। वन पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। लगातार ओवर टाइम पर है आज मनिंदर, और डिफेंस में सिर्फ एक पॉइंट की लीड है वॉरियर्स के पास। टू ऑर्डर रेट नितिन धनकर आए, फजल ने कहा था कि सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाना, राइट कॉर्नर अटैक करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज बहुत गलतियां कर रहे हैं बॉल प्रतिबंध। जर्सी नंबर 99 बेंगलुरु बुल्स, ग्रीन कार्ड वार्निंग फॉर जर्सी पुलिंग। बिल्कुल, जर्सी पुल की है, आपको वार्निंग मिलेगी। वेट वेट, और एक पॉइंट यहां मिल गया वॉरियर्स को हाफ टाइम से ठीक पहले। 20 मिनट का खेल पूरा हुआ दोस्तों, और बेंगलुरु बुल्स इस वक्त पिछड़ रही है बंगाल वॉरियर्स के सामने। ये कहानी एक बार फिर दोहरा रही है, प्रदीप नरवाल सब्स्टिट्यूट कर दिए, पहले हमने लगाई ही नहीं, और मुकाबला भी कांटेदार है, हो सकता है कि वापस आ जाए संजय दा, लगता है। बिल्कुल, अभी 20 मिनट का वक्त बाकी है, संभावना बिल्कुल है यहां बोनस लेने के, बोनस कंफर्म हो जाएगा जिंक के का। नितेश के नीचे से बोनस लेकर के गए नितिन वर्सेस नितिन, इधर भी नितिन उधर भी नितिन, और यहां पर नितिन धनकर की शाम है। लकी कुमार को बुलाया गया था सब्स्टिट्यूट करके, गलती कर गए, चेन में थे, उसके बावजूद अकेले चले गए। पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। माइटी मनिंदर, हट्टे कट्टे खिलाड़ी। दूसरी तरफ नितिन रावल, मतलब नंबर 40, ये तो
मनिंदर बाहर नहीं जा रहे, 14 मनिंदर बाहर नहीं जा रहे, वो अभी भी नंबर 14 यू आर आउट ऑफ बाउंड्स गेम में चालू है। बहुत खूब मनिंदर ने बोला काम पूरा करके आएंगे, दोनों को बाहर करेंगे, वो एक किक नितिन रावल को जो लगी जिंदगी भर ना भूलेंगे। और सुपर टेन भी कंप्लीट किया मनिंदर सिंह ने अपना। अजिंक्य पवार इकलौते रेडर इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फाजल अत्राचली को बाहर किया, बड़ा शिकार अजिंक्य पवार की तरफ से। ये प्रतिबंध का अगर आप जिक्र करें तो एक बार फिर उन्होंने गलती की, चौथा फेल टैकल, अपने आप को लौटा नहीं। अजिंक्य पवार कोशिश कर रहे हैं, रेडर से, रेडर से बेंगलुरु बुल्स जर्सी नंबर 2 आउट। ये लीजिए बदलाव हुआ और उस बदलाव का फायदा देखने को मिला यहाँ पे। नो बोनस, बिल्कुल यहाँ पर बोनस तो नहीं मिला। अगर कोई बड़ी रेड लग पाए, बड़ी रेड चाहिए यहाँ पर। चलिए अक्षित ने ये पॉइंट उठाया है, पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। चपलता दिखती है इनके फुटवर्क में, वो इंटेंट दिखता है। युवा खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंड से परवीन थोड़ा सा आगे आए और उन्हीं पर हैंड टच किया। अजिंक्य पवार ने बहुत अच्छा एस्केप करने की कोशिश की थी पर बंगाल वॉरियर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मेरा ख्याल है पिछले सीजन में ही एक बार इसी तरह से निकले थे और पूरी टीम को समेट करके ले गए थे। बिखरी बिखरी से नजर आ रही है बेंगलुरु बुल्स। क्या बढ़िया बैक किक यहां पर, बढ़िया यहां पर बैक किक और बाहर जा रहे हैं। नितिन धनकर को बोला गया है नितिन रावल पर अटैक करने के लिए, यानी कि ओहो नितिन रावल पर अटैक करते करते क्या ये उंगलियां पार हुई संजेता, ये बड़ी रेड हो सकती है। एक पल के लिए लगा कि शायद उंगली क्रॉस नहीं हुई, बहुत ही नाजुक मसला था। हालांकि कह पाना बड़ा मुश्किल जब तक आप उसका रीप्ले नहीं देखेंगे। ये सामने से आए, ब्लॉक किया, उंगली क्रॉस हो गई, उंगली क्रॉस हो गई। एक सूत भी अगर उंगली आगे निकल गई तो इसका मतलब आपका काम हो गया। रेडर सेव 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। नाकुन भी अगर पार कर गया और वो कर चुका है बंगाल वॉरियर्स 2 पॉइंट। कृष्ण हुड्डा साहब जब से इस टीम के साथ जुड़े एक नई टीम नजर आ रही है और पवन के साथ उनकी जो जोड़ी है साथ में विजय मलिक मंत्र एक नया फ्लेवर देती है फैंस को। जी बिल्कुल, और इधर यहाँ पर फ्लेवर आपको बंगाल का फ्लेवर मिल रहा है। यहाँ मीठा मीठा चौम चौम की तरह जीत मिलने वाला है संजय दा। अब तैयार है वो जीत, मुझे लगता है कि प्लेट में परोस दी गई है क्योंकि फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ओहो कोशिश बहुत अच्छी यहाँ पर अक्षित की, लेकिन इसी के साथ बेंगलुरु बुल्स एक बार फिर ऑल आउट हो गई है, यानी बंगाल वॉरियर्स के पास एक लंबी चौड़ी लीड इस मुकाबले में। ऑल इन बेंगलुरु बुल्स, इंटेंट वो बेंगलुरु बुल्स से दिखा नहीं जिसकी आवश्यकता थी, ऑल आउट हुई बेंगलुरु बुल्स। ज्यादातर मुकाबलों में आखिरी 10-15 मिनट बुल्स को बहुत भारी पड़े। बोनस लेकर के गए और क्या कोई टच पॉइंट भी मांग रहे हैं या बोनस की कंफर्मेशन नहीं है। पॉइंट बंगाल वॉरियर्स नंबर 4 आउट, नंबर 4 आउट। रेड से 2 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स जर्सी नंबर 4 एंड 44 आउट। पर कल एक और बड़ी जंग होगी, कल की शाम का दूसरे मुकाबले में फिर से हरियाणा स्टीलर्स भिड़ेगी गुजरात जायंट्स के विरुद्ध। राम मेहर साहब क्या इस बार मनप्रीत साहब के लड़कों को चुनौती दे पाएंगे, पर अब नितिन धनकर कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है, लगातार पॉइंट्स पे पॉइंट्स आ रहे हैं। प्लस 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स, बोनस के साथ 2 टच पॉइंट नितिन धनकर, बनकर उभरे हैं धमाकेदार एचपी रेसर जयंत सिंह सुपर रेड पावर टू थ्रिल। लेकिन कुछ भी कहे हैदराबाद में आनंद आया, बहुत बहुत उत्साहित कर देने वाला। ये अभी तक 3 हफ्ते रहे बेंगलुरु बुल्स के लक्षित पॉइंट ला रहे हैं, पर संजय आपसे जानते हैं सीजन 1 से लेकर सीजन 11 तक क्या ये सीजन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सीजन बन रहा है?
बिल्कुल बन रहा है क्योंकि हर टीम यहां बैलेंस दिखाई दे रही है। बुल्स ने पिछले मुकाबले में तलाइवास को हराया, आज भले ही वो वॉरियर्स के सामने थोड़ा फीके दिखाई दे रहे हो लेकिन तलाइवास को पराजित कर उन्होंने ये बताया कि उनमें मानता है, क्षमता है। प्रदीप नरवाल नहीं चल रहे, अजिंक्य पवार के कुछ पारिवारिक उस तरह की परेशानियां थी जिसकी वजह से वो लगातार ट्रेनिंग नहीं कर पाए और वो भी थोड़ी सी परेशानी हुई और ये मुकाबला यहाँ पर समाप्त। लेकिन एक बहुत बड़े फासले से इस मुकाबले को जीता है बंगाल वॉरियर्स ने। कमाल की जीत सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस।